अध्याय 4 गति मोशन। गति शब्द से आप परिचित हैं। गति के कई उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, वाहनों का चलना, फल का पेड़ से गिरना, पक्षियों का उड़ना इत्यादि। यह तो हम जानते हैं कि हर पल हमारे आसपास विभिन्न वस्तुएं गति में हैं और हम स्वयं भी सदैव स्थिर नहीं रहते। गति अनेक क्रियाओं और परिवर्तनों का आधार है और इसके अध्ययन एवं विश्लेषण से अनेक बुनियादी सवालों का जवाब मिला है। उदाहरण के लिए, ऋतु परिवर्तन समझने के लिए हमें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे गति करती है जानना जरूरी है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में किसी वाहन को कितना समय लगता है, यह भी गति की समझ दर्शाता है। हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। पर क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील हो जबकि दूसरे के लिए वह स्थिर हो? जैसे यदि आप ट्रेन में बैठे हों तो आपको लगेगा कि अन्य बैठे यात्री स्थिर हैं और आप भी स्थिर हैं, किंतु ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति के लिए ट्रेन और आप दोनों गति में हैं। यदि आप सड़क के किनारे खड़े हैं तो आसपास के पेड़ स्थिर दिखते हैं, पर यात्रा करते समय चलती बस से वे गतिशील प्रतीत होते हैं। वस्तु गति में है या स्थिर, इस पर निर्भर करता है कि अवलोकन कौन व कहां से कर रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु गतिशील तब है जब किसी अवलोकन बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में समय के साथ नियमित परिवर्तन होता है। किसी भी स्थान को अवलोकन बिंदु माना जा सकता है और इसे निर्देश बिंदु कहते हैं। दैनिक जीवन में जिन गतियों को हम देखते हैं उनका अध्ययन आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति पैदल चलता है तो उसके पैरों की गति के साथ साथ उसके विभिन्न अंग जैसे हाथ, सिर आदि भी गति करते हैं। जब कोई वाहन चलता है तो उसके अलग अलग पुर्जे भिन्न भिन्न गति में होते हैं, जैसे साइकिल चलाते समय आपके पैरों की गति, पैडल की गति, चेन की गति, पहियों की गति भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः वस्तु के अलग अलग भाग अलग अलग दिशा में गतिशील होते हैं और वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस स्थिति में वस्तु की रैखिक गति के अध्ययन के लिए हम दो सरलीकरण मानकर आगे बढ़ते हैं। पहला, संपूर्ण वस्तु का प्रतिनिधि एक बिंदु को मान लिया जाता है और उस बिंदु की सरल रेखा में हो रही गति को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, यह बिंदु हम ऐसा चुनते हैं जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित प्रतीत होता है। एक सीधी रेल की पटरी पर ट्रेन की गति, ऊंचाई से गिराने पर पत्थर की गति सरल रैखिक गति के उदाहरण हैं। क्या आप इस सूची में और उदाहरण जोड़ सकते हैं?